हाँ, 2 दिन पहले ही मिले थे। हाँ? 2 दिन पहले ही मिले थे है ना, 2 दिन पहले। कल मैं गई थी सिद्धार्थ की पूजा पे, मेहंदी साट के, आप लोग आए नहीं। नहीं, मिल गया आज बस है। रोशनी जी नीचे आ जाए, एक स्टेप आप नीचे आ जाइए। बस बस बस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोग को अभी जस्ट 2 दिन पहले मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड टू ऑलवेज यू नो, मैं हमेशा यहीं पे दिखती हूँ, जब भी दिखी हूँ ना, पिछली बार भी यहीं पे मिली थी, तो इट्स वेरी गुड। Okay, so 2 years have been really difficult for all the people. How this years are going for you? I think नए साल की शुरुआत बड़े ही हमारे लिए बहुत टफ हुई है विद द वायरस एंड एवरीथिंग, बट इट हैज़ बीन वेरी गुड। मेरा पर्सनली टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा साल जा रहा है एंड शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अब आप लोग के साथ और अच्छी शुरुआत हो गई, तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। ओके, सो रिसेंटली सिद्धार्थ निगम हैज कंप्लीटेड 10 मिलियन एंड ही इज वेरी क्लोज टू यू, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? I want to say that I'm very very proud of Siddharth. अभी 10 हुए हैं, पिछली बार की तरह सेम चीज़ बोलूँगी, 100 मिलियन भी बहुत सून होंगे। एंड या उसको ही डिजर्व्स ऑल द लव ऑन दिस प्लानट बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्क करता है। ओके, सो मैम आपके प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, किस प्रोजेक्ट में क्या क्या लाइनअप है और क्या कुछ आप बताना चाहोगे क्या आने वाले समय में? जब मेरा प्रोजेक्ट होगा आई थिंक आपको मुझसे पहले पता चल जाएगा, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। जैसे ही कुछ होगा तो मैं खुद पर्सनली सबसे पहले आप लोग को बुलाऊँगी और आप लोग को बताऊँगी। ओके, लास्ट आप बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हो? बिग बॉस मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और कौन है आपका फेवरेट? शमिता एंड प्रतीक। पर्सनली मुझे प्रतीक बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी गेम खेल रहा है ना। आई होप कि वो जीते, क्योंकि वो लिटरली कुछ नहीं था, वो अपने मेंटर्स के साथ ये शो खेल रहा है और तो भी उसे इतना प्यार मिल रहा है, वो इतने अच्छी तरीके से खेल रहा है, तो आई होप यू नो कोई जिसने इतनी स्ट्रगल की है वो जीते। और तीजरन का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? बहुत बातें चल रही है तीजरन की, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? आई होप ये कंट्रोवर्सी बंद हो, आई होप शमिता को ये चीज़ पे परेशान करना लोग बंद करें, क्योंकि उसकी तरफ से वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई होप इट वर्क्स वेल। चलिए जैसा भी है, आई थिंक घर के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू मैम। ओके जी, वेट 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 रुकिए रुकिए, हाँ घूम रहे मैम, मेरी कॉफी के बिस्किट चली।